नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। डॉक्टर मधु धई एक ऐसा नाम है जो डॉक्टर होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रसर रहती हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखने के साथ साथ जरूरतमंदों की सेवा करने वाली और प्रकृति की रचना से प्रेम करने वाली डॉक्टर मधु धई ने ठान लिया है कि प्रकृति से जुड़ने पर ही हम लोग स्वच्छ हवा ले पाएंगे। डॉक्टर मधु ने अपनी पूरी टीम के साथ गुरुद्वारों में, पार्कों में, मंदिरों में पौधे लगाने का कार्य सेवा रूप लगातार कर रही है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे पौधे लगाने के बाद समय समय पर उन पौधों में खाद पानी भी अपनी टीम के साथ देती रहती है। आज उनके द्वारा लगाए गए काफी पौधे बड़े भी हो चुके हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर मधु धई के विचार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मधु धई है। मैं डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन हूँ। अपने प्रोफेशन के साथ साथ मैं पर्यावरण को भी साफ सुथरा और हरियाली फैलाने में बहुत बड़ा योगदान देती हूँ। इसमें जैसे जगह जगह प्लांट्स लगाती हूँ मैं, जैसे स्कूल्स में, डिवाइडर्स पे, मंदिर गुरुद्वारों में, पार्क्स में। और अब मेरे लगाए हुए पौधे काफी बड़े हो चुके हैं, 15-15 फुट के भी हो चुके हैं। पौधे लगाने के साथ साथ उन्हें रेगुलर मेंटेनेंस का भी काम किया जाता है, जैसे पानी देना और उनको जो है अच्छे से केयर करना, खाद वगैरह देना। तो आप सबसे भी विनती है कि जब भी आपकी कोई बर्थडे या एनिवर्सरी या कोई भी घर पे सेलिब्रेशन हो, आप एक पौधा जरूर लगाइए और मेक श्योर करिए कि वो पौधा जो है पेड़ जरूर बने। पेड़ों के जितने फायदे हैं वो मुझे गिनवाने की ऐसे आवश्यकता नहीं है। हम सभी इतने समझदार हैं कि हम सबको पता है कि एक पेड़ क्या करता है। हमें ऑक्सीजन देता है फ्री में, जो हमें कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी ऑक्सीजन की। हरियाली देता है जो हमें आंखों को सुकून देता है। टेम्परेचर कम करता है उस एरिया को, क्योंकि अब जैसे गर्मी बढ़ रही है, बीमार चैंडी है बट अभी बहुत तेज गर्मी हो गई है। शेड देता है, पक्षियों को खाना देता है। तो जितने लाभ पेड़ के हैं, मुझे नहीं लगता और किसी चीज के इतने लाभ होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप वृक्ष लगाइए। वृक्षों में जैसे कुछ वृक्ष होते हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल। तो फिर आप कोशिश करिए कि पीपल लगाएं ज्यादा से ज्यादा और उनको जो है अच्छे से मेंटेन किया जाए। इसके अलावा नीम, बरगद, अर्जुन, बेलपत्र, इन सबके मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं और वैसे भी जो है अच्छे रहते हैं ये पेड़। आपको भी अगर कोई एरिया ऐसा पता हो जहाँ पे आप सोचते हैं कि जहाँ पे हमें पेड़ लगाने हैं या जहाँ पे केयर एंड मेंटेनेंस हो सके, वाटरिंग फैसिलिटी है, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। हम वहाँ पर ये, और ये सेवा निःशुल्क होती है, इनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो हम वहाँ पर बहुत काफी प्लांट्स हम लेकर आएंगे और वहाँ इस एरिया को हरा भरा कर देंगे। इसके अलावा हमारा जो मेन काम रहता है, हम लोगों को बहुत फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्लांट्स, ताकि उनको अवेयरनेस स्प्रेड हो, ग्रीनरी का महत्व पता चले। इसमें हम हर्बल प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा सीड्स कलेक्शन किया जाता है, जिसमें जो है इन सीड्स को हम एनजीओ को भेजते हैं जो जगह जगह फॉरेस्ट बनाते हैं। तो इस हिसाब से आप मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आप जगह जगह हरियाली फैलाएं। और ये सिर्फ सरकार का ही जिम्मा नहीं, हम सबका सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लेवल पर कुछ ना कुछ पर्यावरण के लिए करें। धन्यवाद।